स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप। हमको फंडामेंटल थ्योरम प्रूव करना है किसका, होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप का। इसको समझ पहले क्वेश्चन समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। इधर एक ग्रुप लेते हैं, G1 ग्रुप है, जिसके अंदर ए एलिमेंट है, बी है, सी है, आइडेंटिटी है और बहुत सारा एलिमेंट है। एक और ग्रुप लेते हैं G2, ठीक। G1 का जो है रिलेशन है G2 से F रिलेशन है, तो A का इमेज क्या बनेगा, F है, B का इमेज F B, C का इमेज F C, E का इमेज एफ ई डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम पहले होता क्या है, पहले वो समझो। फंडामेंटल थ्योरम कहता है स्टेटमेंट कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एक नया वर्ड आया होगा आपके सामने, ये होमोमॉर्फिक इमेज क्या हो गया, मीन एफ मेरा कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि होमोमॉर्फिज्म 1-1, ऑन्टो क्या होता है, कर्नल क्या होता है, ये सब आप पढ़ लिए होंगे, तब जाके ये थ्योरम प्रूफ कर रहे होगे आप। तो एफ मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक। एफ मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। जब मेरा एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ ई, जितना ये एलिमेंट है सारा मेरा क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक। जब ये होमोमॉर्फिक इमेज होगा तो एक बात ध्यान देना, ये होमोमॉर्फिक इमेज है इसका मतलब ये ऑन्टो भी होगा, ये ऑन्टो भी होगा। तो हमने तो क्या देखा, एफ ये सब क्या है मेरा, होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक। हाँ क्वेश्चन क्या कहा, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमो मॉर्फिक इमेज ऑफ G1, ओह गन लड़ा है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1, जितना होमोमॉर्फिक इमेज है G1 का इज आइसोमॉर्फिक टू, आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G1। अभी मैं समझाता हूँ कोसेंट ग्रुप ऑफ G1 क्या हुआ, टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G1, ठीक। अब ध्यान समझो, पहले समझो आइसोमॉर्फिक क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता क्या है, कोई आइसोमॉर्फिक है इसका मतलब क्या है, वो होमोमॉर्फिक भी होगा और 1-1 भी होगा और क्या होगा, ऑन्टो भी होगा, ठीक। होमोमॉर्फिक भी होगा, 1-1 भी होगा और ऑन्टो भी होगा। ये ऑन्टो जो है मेरा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है होमोमॉर्फिज्म और ऑन्टो, ठीक। हाँ फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1, G1 का जितना भी होमोमॉर्फिक इमेज है वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। G1 का जितना भी होमोमॉर्फिक है, मीन G2, G2 मेरा क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है, वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक को इसे नोट करते हैं, किसका आइसोमॉर्फिक होगा, सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G1, सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G1 मीन G1 बाय के, इसको हम क्या कहते हैं, सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G1 मीन G1 का कोसेंट ग्रुप, G1 का
कोसेंट ग्रुप। अब ध्यान से, जो एक और मेरा ग्रुप यहाँ पे लेंगे जो कि जीवन बाय के होगा, ठीक। के क्या है, मेरा कर्नल है, फिर से समझो जीवन बाय के है क्या, तो मैं समझा दूँ। देखो जीवन बाय के, ये जीवन है मेरा, ये मेरा ओरिजिनल ग्रुप होता है, ओरिजिनल ग्रुप होता है। ये क्या है मेरा, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। हम नॉर्मल सब ग्रुप में कर्नल ले लिए, क्यों लिए, क्योंकि कर्नल का जो है फंक्शन आइडेंटिटी को देता है, आपने ये पढ़ा होगा। अब जो मेरा जीवन के कोसेंट ग्रुप में जो है मेरा कर्नल का एलिमेंट आएगा के, के बी, के सी, के ई, डॉट 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 डॉट, और इसके बीच जो रिलेशन बनेगा वो फाई मान लेते हैं। तो हमको प्रूव कर देना ये फाई जो रिलेशन है, रिलेशन कैसा है मेरा, आइसोमॉर्फिक है, बस हमको ये प्रूव करना है, ठीक। अगर हम इसको प्रूव कर देंगे आइसोमॉर्फिक, यही मेरा क्वेश्चन कर रहा है, प्रूव हो जाएगा। हाँ, दिया हुआ क्या है, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है। गिवन ए डेट, दिया हुआ है फंक्शन है G1 से G2, इज होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन्टो, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है हमको G2 आइसोमॉर्फिक G1 बाय के। देखो जो चीज़ आइसोमॉर्फिक हुआ, जैसे ए और बी आइसोमॉर्फिक है, तो इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं, एक तरह से समझना कि ए बी के ही बराबर है, बी ए के ही बराबर है, ठीक। उसी तरह G2 आइसोमॉर्फिक है G1 के कोसेंट ग्रुप का, तो G2 इसके बराबर भी होगा, G1 बाय के भी G2 बराबर होगा, G1 बाय के आइसोमॉर्फिक टू G2, ये मेरा क्या है, कर्नल ऑफ F, ठीक। एक हम मैप करते हैं, लेट मैपिंग, इसी को मानते हैं जीवन बाय के वाला को। एक मैंने मैप ले लिया जीवन बाय के लिया और G2 लिया, इसमें मैं के है, के बी है, के सी है, के ई है, डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या है मेरा, एफ ए है, एफ बी है, एफ सी है, एफ ई है, डॉट डॉट डॉट, इसके बीच मेरा फाई रिलेशन है, इसके बीच मेरा फाई रिलेशन है। तो फाई के किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा, फाई के भी एफ बी के बराबर होगा, इसके अनुसार इसी तरह सारा होगा। अब हमको जो है इस फाइ को दिखाना है, ये क्या है मेरा, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमको इसको पहले तीन चीज़ दिखाना पड़ेगा, क्या क्या, पहला हो गया वी सो डेट, हमको दिखाना है इसे, क्या क्या दिखाना है। पहले तो ये जो मैंने मैपिंग माना है, ये मेल, ये पहले वेरीफाई करना चाहिए, मीन फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड, सॉरी सॉरी, फाई इज वेल डिफाइंड, फाई मेरा जो है वेल डिफाइंड हो। अब वेल डिफाइंड होने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेल डिफाइंड मेरा शो हो जाए, वेल डिफाइंड होने के लिए हम जीवन बाय के का कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे हम के ए ले लिए और के बी ले लिए। अगर दोनों बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होगा तो हमको दिखाना क्या है, एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के। हम अगर ये बराबर लेंगे और ये दिखा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। अगर हम के ए और के बी को बराबर लिए और मेरा एफ ए और एफ बी बराबर आ गया, मीन ये जो माने हैं मैप, ये मेरा वेल डिफाइंड होगा। दूसरा
वेल डिफाइंड हो गया। अब हम इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना था, आइसोमॉर्फिक दिखाना था, तो आइसोमॉर्फिक लिख क्या था, होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक प्लस वन वन, तो ऑन टॉथ पहले से है, पहले हम होमोमॉर्फिक दिखाएंगे। तो फाइज होमोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, होमोमॉर्फिक हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम जैसे हमने देखा होमोमॉर्फिज्म में, एक बार ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा होमोमॉर्फिज्म में, अगर कोई दो एलिमेंट का, समझना, अगर कोई दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए बी दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई बराबर होता है, मीन एफ ए के बराबर इंटू एफ बी के बराबर, ये होमोमॉर्फिज्म में आपने पढ़ा होगा। और एक चीज़ पढ़ा होगा, यदि एफ बी है इसका होल इनवर्स है, इनवर्स को हम अंदर कर सकते हैं, एफ बी इनवर्स, यही पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा, किसमें, होमोमॉर्फिज्म। जब ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, ए बी दो एलिमेंट जीवन का लिए थे, उसी तरह इसका हम दो एलिमेंट लेंगे के ए और के बी, मीन फाइ एक एलिमेंट के ए ले लिए और एक एलिमेंट क्या ले लिए, के बी ले लिए, इसका दो एलिमेंट लिए, दोनों का प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो अलग अलग फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा, मीन फाइ के इंटू फाइ के बी के बराबर होगा। ओके, मेरा होमोमॉर्फिज्म भी, मीन हमको ये लेना है और ये प्रूव कर देना, अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो फाइ मेरा होमोमॉर्फिज्म हो जाए। होमोमॉर्फिज्म होने के बाद हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वन वन, वन वन कैसे प्रूव किया जाए, फाइ इज वन वन, वन वन कब होगा, जब वन वन कब होगा, जब जिस तरह इसमें किए थे के और के बी को बराबर किए थे, बराबर लिए थे, तो प्रूफ क्या किया हमने, एफ ए बराबर एफ बी, उसी तरह वन वन में जो है हम एफ ए और एफ बी को बराबर लेंगे, एफ ए और एफ बी को बराबर लेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करना है के और के बी आपस में बराबर है। इतना सारा काम कर देंगे, देखो ये सब लेना है, ये लेना है, प्रूफ ये करना है, अगर ये प्रूफ कर दिया तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बात है प्रूफ करने का, देखते हैं, ठीक, हमने क्या लिया, के ए इक्वल टू के बी लिया, के और के बी बराबर लिए, अब जो है हमको क्या दिखाना है, एफ ए एफ बी, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के ए बी इनवर्स इक्वल टू के बी बी इनवर्स, ठीक, बी बी इनवर्स आइडेंटिटी को देगा, बी बी इनवर्स आइडेंटिटी को देगा, के ए बी इनवर्स इक्वल टू के आइडेंटिटी, के इक्वल टू के बराबर होगा, मीन के ए बी इनवर्स इक्वल टू के, आपने पढ़ा होगा अगर एच ए एच के बराबर था तो ए कहाँ एच में बिलोंग्स करता था, उसी तरह के ए बी इनवर्स के बराबर है तो मेरा ए बी इनवर्स के में बिलोंग्स करेगा, जब मेरा ए बी इनवर्स के में बिलोंग्स किया, इसका मतलब क्या है, इसका जो फंक्शनल मान होगा वह आइडेंटिटी के बराबर होगा, इसका मेरा फंक्शनल वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, इसलिए एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर हुआ, ठीक, ये तो हो गया, क्योंकि एफ मेरा क्या है, होमोमॉर्फिक, अब आप सोचो कि यहाँ एफ क्यों लिया, फाइव भी ले सकते थे, देखो ए और बी इनवर्स मेरा जीवन में है, जीवन का मेरा क्या है, एफ का फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ एफ लिए, ठीक, एफ मेरा क्या, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म पढ़े हैं, अगर दो मल्टीप्लाई का फंक्शन वैल्यू अलग अलग फंक्शन वैल्यू के बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ वी इनवर्स, ठीक, इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इनवर्स को हम बाहर कर सकते हैं, बी इनवर्स अंदर था इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं, एफ ए
एफ बी का हॉल इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। देखो एफ ए एफ बी का हॉल इनवर्स, ठीक ठीक अब क्या करेंगे, देखो एफ ए तो यहाँ आ गया, हमको एफ बी लाना है, इधर भी एफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी एफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मिलके आइडेंटिटी बना लेगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। वारे चंट, आप तो चंट समझदार हो गए। एफ बी का हॉल इनवर्स, सॉरी एफ बी का हॉल इनवर्स इधर किसे मल्टीप्लाई किए, एफ बी से मल्टीप्लाई किए, इधर भी एफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी देगा, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी मेरा बन निकल जाएगा। इधर एफ बी बचा, एफ ए बचा, एफ ए लिख दिए, इधर आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी है, एफ बी मेरा पहले से एफ बी इधर आ गया, तो मेरा एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, मीन फाइव जो है वेल डिफाइंड है। चलो मेरा एक घंटा खत्म हुआ, फाइव वेल डिफाइंड हो गया। अब क्या दिखाना है हमको, फाइव होमोमॉर्फिज्म है, फिर इसको लेंगे और हमको ये प्रूफ करना है, ठीक, देखते हैं फाइव क्या लिए, फाइव इंटू इसका दो एलिमेंट लिए थे के ए और के बी लिए, ठीक, आपने कटर में पढ़ा होगा अगर के इंटू के बी है तो के ए बी के बराबर होता है, फाइव के ए बी के बराबर हो गया, ठीक। अब जो है, हाँ जी समझना, के ए बी के बराबर है फाइव, अब यहाँ देखो फाइव, अभी हम तुरंत वेल डिफाइंड किए हैं, इसका सहारा लेंगे हम, ये जो मैप है मेरा मैप वेल डिफाइंड है, मीन फाइव के एफ ए के बराबर था, फाइव के बी एफ बी के बराबर था, फाइव के बी एफ ए बी के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, फाइव के बी सॉरी एफ ए बी के बराबर होगा, और एफ मेरा क्या है, देखो इसका सब जगह यूज आएगा, इसको देख ही लेना ठीक से, ठीक, फाइव ए बी किसके बराबर होगा, एफ ए इंटू एफ बी के बराबर, एफ ए इंटू एफ बी, ओके। अब देखो एफ ए इंटू एफ बी के बराबर है, फिर एफ ए किसके बराबर है, फाइव के एफ बी फाइव के बी, देखो हमारा ये भी आ चुका है, इसका मतलब मेरा होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया। अब कौन सा कांटा बचा हुआ है उसे भी निकाल लेना है, चलो ये भी प्रूव हो गया मेरा, ये आखिरी है, इसको आखिरी ही कर देना है, एफ ए इक्वल टू एफ बी लिए, प्रूफ क्या करना है, के ए इक्वल टू के बी, अब के ए इक्वल टू के बी प्रूफ करना है, अच्छा जी एफ कॉट आके हमको कर्नल लेना है, ठीक, पहले हमको इधर आइडेंटिटी लाना होगा, आइडेंटिटी कैसे लाएंगे, तो एफ बी का होल इनवर्स से मल्टीप्लाई, अच्छा एफ बी से राइट साइड एफ बी के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ बी का होल इनवर्स से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, इधर क्या आ गया, एफ बी इंटू एफ बी का होल इनवर्स, इधर तो आइडेंटिटी मेरा आ गया, और एफ बी इनवर्स अंदर आ जाएगा, तो एफ बी का होल इनवर्स पूरा कर ही देते हैं, जगह कम है, एफ बी का हॉल इनवर्स और दोनों मिलके ए बी इनवर्स हो जाएगा, पूरा बना ही देते हैं, इनवर्स अंदर आ जाए तो बी इनवर्स यहाँ हो गया, इक्वल टू ये दोनों आइडेंटिटी मिल गया, इडेस। अब ये एफ ए और एफ बी इनवर्स, चूँकि ये होमोमॉर्फिज्म है, दोनों एक हो सकता है, मीन एफ ए बी इनवर्स, एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक। जब किसी का फंक्शनल वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर है, इसका मतलब अगर ध्यान समझो, अगर एफ ए आइडेंटिटी के बराबर है, इसका मतलब क्या, ए कहाँ बिलोंग्स करना है, कर्नल बिलोंग्स कर रहा है, आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा कर्नल में, उसी तरह एफ ए बी इनवर्स आइडेंटिटी में आइडेंटिटी के बराबर है, तो मेरा ये कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल में बिलोंग करेगा, मीन ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग किया, कर्नल में बिलोंग किया, जैसे ही ए बी इनवर्स कर्नल में बिलोंग किया, तो आपने तुरंत यहाँ पढ़ा था, इसलिए के ए बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, देखो के इक्वल टू के बी की तरफ जा रहा है, यहाँ के तो आ गया, लेकिन
बी नहीं है, बी इधर है, तो हम क्या करते हैं राइट साइड बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के ए बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू के बी, बी इनवर्स बी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, तो के ए इक्वल टू, ये दोनों आइडेंटिटी बन गया, इधर के बी आ गया, के बी, ये भी प्रूफ हो गया मेरा, मैं तीनों प्रूफ हो गया, मीन ये क्या है, जो हम फाइव माने थे, मैपिंग किए थे, वो मेरा आइसोमॉर्फिक है। चलो इतना करोगे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, बहुत लंबा वीडियो बन गया, कोई नहीं।